नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। ये संविधान की जो पेड़ ग्रुप है उसकी कक्षा है चौथी। इससे पहले के अधिनियम हम करा चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं, मतलब 1833 तक हो गया था, 1833 के अधिनियम तक। इससे आगे का हमें करना था। आप देखिए इस अधिनियम, इस वीडियो में हम क्या याद रखेंगे। 1858 वाला एक पूरा राजरेख, 1861 का राजरेख और 1876 का राजरेख, और इससे अगली जो वीडियो आएगी वो 1892 की, 1909 और 1919 की। चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति हो गई है। इतिहास विषय में मैं पूरा पढ़ा दूंगा इसका कि जनरल हर रोज टोपी लगाता था। चलिए इससे मैं आपको, बर्र बहादुर है कहाँ कहाँ किससे संबंधित है, इतिहास की वीडियो क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं, उसके लिए भी आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 9972953322 पर व्हाट्सअप कर लीजिए। 9972953322। ओके चलिए, 1858 का राजलेख के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं की गई भारत में, वो सब हमें याद रखनी है। तो हमें क्या रखना है, सम्राट ने कैनिंग को भारत में अच्छा वायसराय बनाया। सम्राट ने, वास्तव में जो वायसराय नियुक्त हुआ था वो सम्राट ने ही किया था, और अच्छा वायसराय बनाया क्योंकि कैनिंग इससे पहले गवर्नर जनरल था और उसे वायसराय बनाया गया, तो भारत को अच्छा बनाने की कोशिश की गई। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्ट हैं जो लगातार परीक्षाओं में आए हैं और वो आपको याद रखने हैं 1858 के अधिनियम के। सम्राट, यहां से मतलब है सम्राट का शासन, सम्राट का भारत पर सम्राट का शासन या ब्रिटिश ताज का शासन किस अधिनियम से शुरू हुआ, ब्रिटिश ताज का शासन। तो उत्तर आता है 1858 का अधिनियम। कैनिंग पहला वायसराय बना, क्या बना, वायसराय। अब एक प्रश्न और आता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यही जवाब है। अब पहला वायसराय कौन था, तभी भी लॉर्ड कैनिंग ही जवाब है। भारत परिषद की स्थापना की गई, ये इंग्लैंड में स्थित थी। भारत परिषद की स्थापना की गई, एक नया पद और सृजित किया गया, उस पद का नाम था भारत सचिव। भारत सचिव निश्चित रूप से इंग्लैंड मंत्रिमंडल का, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। दोबारा समझते हैं क्या है, भारत सचिव का पद किस अधिनियम से सृजित किया गया, ये प्रश्न आता है। भारत परिषद का गठन किस अधिनियम से किया गया, ये प्रश्न आता है। इसीलिए दोनों का जवाब है 1858 का अधिनियम। अच्छा, इसी अधिनियम को कहते हैं भारत को अच्छा बनाने वाला कानून, भारत को अच्छा बनाने वाला कानून, बनाने वाला कानून। वायसराय, वायसराय का पद सृजित किया गया, ये एक पद है वायसराय का, किस अधिनियम से आया है, 1858 के से। बस इसमें क्या है कि जब इंग्लैंड शासन के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय राजाओं से कोई बात करनी होती थी तो उस पद का नाम था वायसराय। वही जो गवर्नर जनरल है वही वायसराय का काम देखता था, गवर्नर जनरल भी वही होता था। दोबारा समझते हैं इस पूरी बात को। सम्राट ने कैनिंग को भारत में अच्छा वायसराय बनाया। सम्राट का शासन किससे शुरू हुआ, 1858 के अधिनियम से। कैनिंग पहला वायसराय बना, ये 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था। सम्राट ने कैनिंग को भारत सचिव का पद किस अधिनियम से शुरू हुआ, 1858 से। भारत परिषद का गठन किससे किया गया, 1858 के अधिनियम से। भारत को अच्छा बनाने वाला कानून किसे कहते हैं, 1858 अधिनियम को। वायसराय का पद सृजित किया गया 1858 के अधिनियम से। ये पेज नंबर आप देखिए, ये मिलेगी आपको ट्रिक युक्ति संख्या 8 है और पेज नंबर 12 पे। ये किताब भी उन लोगों को फ्री है जो ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, इन्हें ये किताब बिल्कुल फ्री भेजी जाएगी, जैसे ही डाक व्यवस्था से ही भेजी जाएगी। आगे चलते हैं, अन्य कोई, हाँ ये मैंने बताई दिया आपको, 15 सदस्य भारत सचिव का, जो भारत सचिव के पद सृजित किया गया था इसी में जो भारत परिषद थी वो 15 सदस्य थी जो भारत सचिव की मदद की करती थी। अभी अगर आपको याद हो तो 1833 के अधिनियम से मैंने आपको बताया था केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, क्योंकि
अब जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और सारे अधिकार उसी पर केंद्रित हो गए थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1858 के अधिनियम के 3 साल बाद ही एक नया अधिनियम लाया गया या नया राजलेख लाया गया। उसके अंतर्गत बहुत सारी विधियां, यहां से कई सारे प्रश्न आते हैं, इंपोर्टेंट है, ध्यान से देख लो, नोट्स जरूर बना लो। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, व्हेन यू आर राइटिंग मेंस, जब आप मेंस लिख रहे हैं, आप दो दूसरे हाथ जिसका कम प्रयोग करते हैं उसमें दूसरी पेंसिल रखें, ब्लैक और ब्लू, जिसका कॉम्बिनेशन आप करते हैं 100 times से ज्यादा आपको एक्सचेंज करनी होती है तो कम से कम आपकी, और कई कई बार तो ढूंढनी पड़ती है, तो मैं कहूंगा कि 500 सेकंड आपकी बचेंगी कम से कम। चलिए यहाँ आ जाइए, 1861 का राजलेख, मंत्री एक, इसमें इतिहास भी याद कराऊंगा, यहीं से इतिहास याद हो जाता है। मंत्री एक साथ आधे विभागों की बिक्री करेंगे। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की स्थापना किससे हुई, 1861 के अधिनियम से। देखिए एक साथ 1861 का अधिनियम। एक खास बात थी, गवर्नर जनरल को, अभी राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है, इसी प्रकार 1861 के अधिनियम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। अध्यादेश गवर्नर जनरल को, दोनों अंतर आप देख लीजिएगा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1935 के अधिनियम से प्राप्त है और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के अधिनियम से प्राप्त हुई थी, जारी करने की शक्ति। इसी क्रम में और आगे बढ़े, भारत में विभागीय प्रणाली, आप UPBCS देखिए, BPSC देखिए, अनगिनत बार प्रश्न आ चुके हैं, IAS देखिए, विभागीय प्रणाली की शुरुआत, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई, 1861 के अधिनियम से। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था किससे हुई, 1861 के अधिनियम से। गवर्नर जनरल या वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे प्राप्त हुई, 1861 के अधिनियम से। केंद्रीकरण हो गया था ना 1833 से, इससे विकेंद्रीकरण, आप देख लीजिए या आप अपनी बुद्धि से भी इसे याद रख सकते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत, विकेंद्रीकरण की शुरुआत, यहाँ इतिहास भी याद होगा, अभी कराता हूं मैं आपको। भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम से हुई है, 1861 के अधिनियम से। देखिए केंद्रीकरण क्या था कि सभी शक्तियां एक की बात, जब विभाग बन गए, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था बन गई, तो ऑफकोर्स विकेंद्रीकरण है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। सम्राट ने कैनिंग को भारत में अच्छा वायसराय बनाया, मंत्री एक साथ आधे विभागों की बिक्री करेंगे। अब अगली जो बात हम याद करने वाले हैं, साम्राज्ञी विक्टोरिया छत पर ऊन कात रही है, आप साम्राज्ञी को भी ऊन कटवा सकते हैं आप में दम हो तो। साम्राज्ञी विक्टोरिया छत पर ऊन कात रही है, साम्राज्ञी का मतलब भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया किस अधिनियम से, भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया किसको, विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को, छत से 76 का अधिनियम। यहां बहुत इंपोर्टेंट एक बात और भी बहुत इंपोर्टेंट है, 1876 के अधिनियम से, या 6 का अंक बहुत महत्वपूर्ण है, 76 का अंक, भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया महारानी विक्टोरिया को, और ये 1876 की सन है ना, इसी से ऊन फैक्ट्री, ये इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, हिस्ट्री के अंतर्गत भी आता है, भारत की पहली ऊन फैक्ट्री कहां लगी है, कानपुर में, कहां लगी है, कानपुर में, सन कौन सी, 1876। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये जो 6 का अंक है ना, इसी से वायसराय की कार्यकारिणी में 6वां सदस्य, ये प्रश्न भी आ चुका है, वायसराय की कार्यकारिणी में 6वां सदस्य किस अधिनियम से इंसर्ट किया गया, तो इसी 6 के अंक से याद रखिए कि 6वां सदस्य भी 1876 के अधिनियम से ही इंसर्ट किया गया है। अगली वीडियो में बात करूंगा आपसे 1892, 1909, 1919 की, तो देखिए मैं दोबारा शुरू करता हूँ। सम्राट ने कैनिंग को भारत में अच्छा वायसराय बनाया, मंत्री एक साथ आधे विभागों की बिक्री करेंगे, और साम्राज्ञी जो है विक्टोरिया हमारी, वो छत पे ऊन कात रही है। तो देखिए एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, सम्राट का शासन किससे शुरू हुआ, 1858 से, कैनिंग आ गया, वायसराय बन गया 1858 से, सम्राट ने कैनिंग को भारत में अच्छा वायसराय बनाया। एक मिनट आप जाइए, कोई काम नहीं होगा, जाइए।
आप दोबारा एक और बार रिवाइज करते हैं, सम्राट ने कैनिंग को भारत में अच्छा वायसराय बनाया, सम्राट का शासन, सम्राट ने कैनिंग को, कैनिंग पहला वायसराय बन गया, भारत को अच्छा बनाने वाला कानून, और वायसराय का पद, भारत सचिव का पद, और भारत परिषद की स्थापना। भारत परिषद में कितने सदस्य थे? 15। वो किस लिए थे? भारत सचिव की मदद करने के लिए। भारत सचिव कौन होता था? अनिवार्यतः एक मंत्री ब्रिटिश मंत्रिमंडल का। आगे बात करते हैं, मंत्री एक साथ आधे विभागों की विक्री करेंगे। मंत्री मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत भारत में 1861 के अधिनियम से, एक साथ 61 और आधे विभागों की विक्री करेंगे। आधे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई 1861 के अधिनियम से। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई 1861 के अधिनियम से। विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई 1861 के अधिनियम से। साम्राज्य छत पे उनका त्रय भाई, साम्राज्य विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित किया गया 1876 के अधिनियम से। छठवा सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी में आया 1876 के अधिनियम से, और 1876 में ही भारत की पहली ऊन फैक्ट्री कानपुर में स्थापित की गई। हैव ए नाइस डे चैनल। आप इसके बाद की वीडियो सभी पेड़ हैं, बिना पेड़ किए आपको नहीं मिल पाएंगी। इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, और इस समय GST हम अपनी जेब से जमा कर रहे हैं। अगली बार जो अगले 15-17-18 तारीख के बाद GST एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। इस समय छूट चल रही है, ज्वाइन कर लीजिए। और इसी क्रम में 2-3 बातें और भी हैं, इतिहास की भी ऐसी क्लास आप लेना चाहते हैं, भूगोल की भी ऐसी लेना चाहते हैं, तो संपर्क कर लें। हैव ए नाइस डे, बाय। आवाज आ जाती है।